हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ डॉक्टर विकास यादव। सो एज़ यू ऑल नो दैट कि हमारी जो बायोलॉजी नीट सीरीज़ चल रही है, जो बच्चे रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं हमें, दे एवरीबॉडी नोज़ दैट कि हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर चल रहा है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट क्लियर किया है विद नोट्स। मैं स्टिकी नोट्स आपको दे रहा हूँ या स्क्रीन पर भी लगा देता हूँ मैं, बाकी मेरे टेलीग्राम पर पूरे चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है? जो भी जब भी लेक्चर डलता है उसके नेक्स्ट उसके नोट्स में डाल देता हूँ। तो हमारे केवल दो लेक्चर्स और बचे हैं और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है जो मैं स्टार्ट करूं, ठीक है? ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस के अंदर मैं आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर करा दूंगा विद सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल नोट्स, ठीक है? आज शुरू करते हैं हम। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कि आपके हार्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है। कार्डियक साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल हार्ट साउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? लब डब वाली हार्ट साउंड्स। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होती है आपकी बच्चों? सबसे पहले तो जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होता है उसका हार्ट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट धड़कता है। योर हार्ट बीट 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है? अब ये जो हार्ट आपका बीट करता है, व्हाट इज द मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग ऑफ दिस हार्ट बच्चों? तो हमारा जो हार्ट होता है इसके अंदर बच्चों आपके नोड्स होते हैं। एक होता है एस ए नोड, एक होता है एवी नोड, ठीक है? तो भैया जो एस ए नोड होता है जिसको हम साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, इसकी लोकेशन लगभग हर साल नीट में सवाल आता है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एसए नोड? हमेशा याद रखना बच्चों, इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। ये कहां प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। जो राइट एट्रियम होता है हार्ट का, उसके राइट अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, ठीक है? ऐसे नोड ही आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, इसीलिए इसको पेसमेकर बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी नीट में आ चुका है। ऐसे नोड से आपकी एक्शन पोटेंशियल कहां जाती है? एवी नोड पे। एवी नोड कहां प्रेजेंट होता है भैया? एवी नोड बच्चों एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है? यानी कि जो एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करता है, वहां जो सेप्टा होता है वहां एवी नोड प्रेजेंट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से एवी नोड गई। एवी नोड से बच्चों वो दो बंडल्स में बट जाती है, एक्शन पोटेंशियल दो बंडल्स में, जिनको बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। एक जाता है राइट वेंट्रिकल में, एक जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है? दो बंडल्स में बट जाता है बंडल ऑफ हिज। और जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके किसमें डिवाइड हो जाता है? परकिंजे फाइबर्स। इस तरीके से आपकी एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की, तो भैया साइकिल की टोटल ड्यूरेशन कितनी होती है? 0.8 सेकंड। 0.8 सेकंड में आपकी नई कार्डियक साइकिल चालू हो जाती है और ये विस्कस साइकिल है, चलती रहती है चलती रहती है। अगर किसी की कार्डियक साइकिल रुक गई, दैट मींस वो इंसान डेड हो चुका है, ठीक है? वरना ये कार्डियक साइकिल जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक चलती है। स्टार्ट करते हैं कहां से स्टार्ट होती है बच्चों, कैसे स्टार्ट होती है? देखो, सबसे पहले हम मान के चल रहे हैं कि हमारे जो आप लोगों का जितना भी बच्चों राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट है, हम स्टार्ट करेंगे इसको पूरा का पूरा बच्चों कहां से, कि जो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम में ब्लड कहां से आता है, ठीक है? सबसे पहले राइट एट्रियम का ले लेते हैं बच्चों। राइट एट्रियम मतलब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला साइड, जहां पर सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो भैया सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से ब्लड आपका पूरा कहां गया? राइट एट्रियम में। भैया लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सबको पता है ऑक्सीजनेटेड कहां होता है? लंग्स में होता है। तो लंग से जो ब्लड आता है वाया द पल्मोनरी वेन, वो आपका लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ठीक है? अब एक एक करके चल लेते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं भैया, लेफ्ट एट्रियम से जितना भी ब्लड है बच्चों वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक वॉल्व होता है, जिसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व। इज इट क्लियर? देन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसमें तीन कस्प होते हैं, इसलिए उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है बच्चों? अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है बच्चों, आपके एट्रियम साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा का सारा जो ब्लड है आपका एट्रियम का, वो किस में आ जाएगा बच्चों? वेंट्रिकल में। इसके लिए क्या चाहिए हमको? इसके लिए हमको मिट्रल वॉल्व को ओपन चाहिए, वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व को ओपन चाहिए। तो ये साथ में होता है, ऐसा नहीं होता कि पहले लेफ्ट एट्रियम काम करे फिर लेफ्ट राइट एट्रियम काम करे, नहीं बच्चों, ये साइमल्टेनियसली काम करता है। जब आपका प्रेशर आया, प्रेशर एकदम से पड़ा, तो दोनों एट्रियम आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी आएगा और आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में जाएगा, ठीक है? तो दोनों वॉल्व जब ओपन होती हैं, जब आपकी ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड वॉल्व ओपन होती है, तो आपको पहली हार्ट साउंड मिलती है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको, ठीक है? जैसे ही आपके वेंट्रिकल्स में ब्लड आया बच्चों, आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहां भेजता है? एओर्टा से सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजेगा, जहां आपकी सारी आर्टरीज वेन्स आपकी बॉडी में लेके जाएंगे। भैया राइट वेंट्रिकल कहां भेजेगा? राइट वेंट्रिकल को कहां जाना है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने जाना है, तो किसके पास भेजेगा? लंग्स के पास भेजेगा। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक लेके जाएगा। इज इट क्लियर?
इज इट क्लियर टू एवरीबडी? एओर्टा से जाएगा पूरी बॉडी में, टिश्यूज में, पल्मोनरी ट्रंक से जाएगा लंग्स में. दिस इज ऑल अबाउट योर कार्डियक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड की चलती है आपकी. ठीक है बच्चों, अब आ जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जिस पे क्वेश्चन आता है बच्चों. स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड व्हेन ईच वेंट्रिकल पंप्स इन अ कार्डियक साइकिल. जब आपका वेंट्रिकल पंप करता है तो कितना ब्लड निकलता है उससे, उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी होती है 70 ml. ठीक है, 70 ml ब्लड आपका. कार्डियक आउटपुट क्या होता है बच्चों, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट. और अगर आप ये करोगे तो स्ट्रोक वॉल्यूम अभी हमने कितना बताया 70, हार्ट रेट आपको कितनी बताई 70 to 75. जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा अप्रॉक्सिमेटली 5000 ml/5 liter. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीबडी? दिस इज योर कार्डियक आउटपुट. ये फॉर्मूला जरूर याद रखना कि कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है स्ट्रोक इनटू हार्ट बीट. ठीक है, अब आ जाते हैं भैया हार्ट साउंड्स पे. हार्ट साउंड बच्चों दो तरह के हार्ट साउंड आपको पढ़ना है. वैसे होती चार हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकंड हार्ट साउंड, थर्ड एंड फोर्थ आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, फोर्थ तो पैथोलॉजिकल होती है, फोर्थ अगर किसी में मिलेगी दैट मीन्स उस इंसान को बीमारी है. थर्ड हार्ट साउंड कभी कभी मिल जाती है हमें बिकॉज ऑफ द जो आपका जितना भी डायस्टॉलिक मूवमेंट चलता है उसमें ब्लड जब गिरता है तो तेजी से साउंड आती है, तो वो भी आपको नहीं याद रखना. आपको फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड याद रखना है. फर्स्ट हार्ट साउंड अभी मैंने आपको बताया भैया इसको क्या बोलते हैं, लब आवाज आती है, लब 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 लब, दैट इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड. कब आता है? जब ट्राइकस्पिड और वाइकस्पिड वॉल्व आपकी क्या होती हैं, जब ये क्लोज होती हैं, ओपन नहीं. जब भी ये वॉल्व क्लोज होंगी ना तब आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आएगा. ये लॉन्ग हार्ट साउंड होती है फर्स्ट. ठीक है, इज इट क्लियर? सॉफ्ट होती है, लो पिच्ड होती है, लो पिच्ड होती है. फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया 30 Hz. कितने सेकंड के लिए ड्यूरेशन होती है 0.10 सेकंड. ठीक है, 0.10 सेकंड. ठीक है, और अभी मैं आपको ECG की वेव्स बताऊंगा, PQRST, उसमें ये कौन सी वेव को करस्पॉन्ड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं. R वेव को करस्पॉन्ड करता है. ठीक है, फर्स्ट हार्ट साउंड R वेव. सेकंड हार्ट साउंड पे आ जाते हैं भैया. सेकंड हार्ट साउंड कब आता है? जब आपकी सेमिलुनर वॉल्व क्लोज होती है. कौन कौन सी? एओर्टिक वॉल्व और पल्मोनरी ट्रंक वाली वॉल्व. तो जब ये दोनों वॉल्व क्लोज, दोनों क्लोजर पे ही होती है. ठीक है, जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होंगी बच्चों, ये भी शॉर्ट होती है, ये शार्प होती है और हाई पिच. वो लो पिच थी सेकंड वाली, हाई पिच होती है. ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन इसका भी सेम है 0.10 सेकंड. हर्ट्स फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा होती है, 50 Hz की होती है. बाकी इसका जो करस्पॉन्डेंस है ECG वेव में वो टी वेव से होता है. ठीक है, इज इट क्लियर? अब मैं आपको ECG वेव यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, मैंने साइड में नोट्स लगा रखा है. आप ECG वेव देखो बच्चों, पी, देन उसके बाद आपको क्यू दिख रहा होगा, देन आर, देन टी, और फिर देन उसके बाद आपको PQRS, देन फिर लास्ट में आपको टी दिख रहा होगा. क्या करस्पॉन्ड करता है बच्चों? पी वेव क्या बताता है? पी वेव जो आपको दिख रहा है ये छोटा सा उठा हुआ, इट विल सो एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, दैट इज डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. ठीक है, यहाँ पे आपको एट्रियल डीपोलराइजेशन बताता है पी वेव. ठीक है, देन PQ एक सेगमेंट होता है बच्चों, ये क्या बताता है? डिले एट AV नोड, AV नोडल डिले को रिप्रेजेंट करता है. QRX कॉम्प्लेक्स होता है, QRX कॉम्प्लेक्स क्या बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. जब आपका वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मतलब वेंट्रिकल में सिस्टोल आया हो. ठीक है, उसके बाद बच्चों आपका जो टी वेव होता है वो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बताता है, यानी कि वेंट्रिकल वापस से डायस्टॉल फेज में चलेगा. दिस इज द ECG जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए. सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर. इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा का पूरा जितना भी हार्ट साउंड्स है वो पढ़ाया, देन आपको ECGs हमने डिस्कस करी, देन जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक साइकिल. सो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो, नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मैंने स्टिक कर दिए हैं. बाकी लास्ट लेक्चर बचा है, लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको डबल सर्कुलेशन बताऊंगा और रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी और हार्ट से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स, और इस चैप्टर को हम क्लोज करेंगे. बाकी नया कौन सा चैप्टर शुरू करना है कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो, आई विल स्टार्ट दैट चैप्टर. एंड देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो. इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप एक एक करके उसको देख सकते हो. सो हैव अ गुड डे गाइस.